हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ टाटा का टाटा सीएनजी, ये जो टिगोर है इसका टेस्ट ड्राइव लेने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टिगोर जो कि ये वेरिएंट है, ये एग्जिट प्लस है और इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट आपको पड़ेगा 9,42,000 का और बाकी जो इसका बेस है 8,63,000 का पड़ेगा। तो ये टिगोर का है सीएनजी। ऊपर से इसमें जो सिलेंडर लगा है इसमें ये 12 लीटर का नहीं लगा है, ये 14 लीटर का लगा है। इंटीरियर जो है इसका वो ऐसा कुछ दिखता है, अच्छा खासा स्पेस है। तो इंटीरियर ये है, आपको स्टेयरिंग पे ये सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। इसका स्पीडोमीटर ऐसा कुछ आ जाता है दिखने में और ये एंड्रॉयड डिस्प्ले, अच्छा खासा एसी इसमें चला हुआ है। तो एसी का थ्रो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये मैनुअल है तो ये 5 गियर के साथ आ जाती है। यहाँ पे स्पेस आ जाता है और ये हैंड रेस्ट और पीछे अच्छा खासा स्पेस आ जाता है। तो पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस आ जाता है और एसी के थ्रो 4 जगह से आपको मिल जाते हैं, तो अच्छा खासा है। और ORVM आप सेट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप ORVM सेट कर सकते हो। आपको ड्राइवर सीट पर यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पहला ऑटोमेटिक मिल जाता है, बाकी सारे पावर विंडो को मिल जाते हैं। एक क्रोम फिनिशिंग इसकी और इसका जो ये ग्लव बॉक्स है इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है। बाकी जो स्पेस है इसमें इसका सिलेंडर के बाद लगाने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसके जो जितने लीटर का है वो यहाँ साइड में लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी ये जो फ्रंट लुक है इसका वो ऐसा आ जाता है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ। और ये जो फिनिशिंग है ये काफ़ी बढ़िया है। ऊपर से ये फॉग लैंप के साथ आ जाती है विद DRL इसका यहाँ पे है और जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ है, हेलोजन लाइट थ्रो करता है। ये LED नहीं है, ये येलो लाइट थ्रो करता है इसका प्रोजेक्टर। तो ओवरऑल लुक ऐसा आ जाता है। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो ORVM पे आ जाते हैं, ये रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आ जाता है। टॉप एंड वेरिएंट में सिर्फ आपको कैमरा आता है, सेंसर नहीं आता। जिनमें कैमरा नहीं आता उन वेरिएंट में आपको सेंसर। ये CNG हो गया, हाँ जी, ये पेट्रोल हो गया। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये CNG में चल रही है गाड़ी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दब रही है, जैसे मैं इसको थोड़ा तो फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा बिल्कुल। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में देखो बाकियों से तो उसमें काफी बेटर है उससे। बाकी 19 में इसका फर्क आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा बिल्कुल। सर इसमें सर कोई आपकी एवरेज नहीं शो कर रही है? एवरेज शो नहीं हो रही? नहीं सर, शो ही नहीं हो रही है। होती भी है इशू? नहीं होती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में नहीं, CNG में नहीं शो हो रही। तो वो आपको टैंक टू टैंक मेजर ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो कम ही देगी बिल्कुल। चलो 24-25 के हिसाब से मैंने निकाला है 300। गाइस जो नॉइज है इसका आप इंजन का नॉइज सुन सकते हो, ये आ रहा है। बाकी इंजन की प्रोफाइल आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख जाएगी, जो भी प्रोफाइल है। तो ओवरऑल ये अच्छी देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर 14 लीटर का टैंक आता है इसमें, 14 लीटर की टंकी सिलेंडर आता है, तो उसमें अगर मैंने निकाला है, जैसे 26 क्लेम कर रही है कंपनी, तो मैंने निकाला कि अगर 25 भी देती है तो 25 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो 300 का एवरेज देगी। अगर 14 लीटर में 12 लीटर भी आता है तो एक तरह से ये बहुत बढ़िया है। ऊपर से CNG का, अगर आपको CNG पे लाना है तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये CNG से हट गई, यहाँ पे आएगा, और CNG पे चलाना है तो ये क्लिक कर सकते हो, CNG पे आ गई। तो एक अच्छे खासे कंट्रोल के साथ आती है, बाकी अगर बाहर से लगवाते तो यहाँ से आती है, तो उससे तो ये बढ़िया ही है, अच्छी है, और हमेशा ये पेट्रोल पे स्टार्ट होगी। दूसरा इसका स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा है, अभी इसका एवरेज मुझे पता नहीं चला है। बाकी अगर मैं सीट पे ऐसे देख भी रहा हूँ तो SUV वाली फील आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। AC का थ्रो काफ़ी अच्छा है। नॉइज़ आप सुन सकते हो अंदर तक आ रही है नहीं आ रही, आप कमेंट करके बताना है कि नॉइज़ आ रही है नहीं आ रही। और ड्राइवर सीट पे यहाँ पे टिकट होल्डर आ जाता है, प्लस मिरर आ जाता है, और यहाँ पे ORVM आ जाता है। यहाँ पे शीशा नहीं है, बाकी गाड़ियों में यहाँ पे आता है, तो ये टिकट होल्डर आ जाता है। और बाकी ये 2 एयरबैग के साथ आ जाता है। और आप स्पेस काफ़ी अच्छा है, अगर फैमिली कार अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये टिगोर CNG मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर 300 किलोमीटर चल रही है ये इतने में तो काफ़ी बेस्ट है। और आप अगर इसका प्राइस भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ है प्राइस, ये लिखे हुए इंडिविजुअल,
अगर आप बेस मॉडल लेना चाहते हो टिगोर एग्जिट तो आपको 863 की पड़ेगी। टिगोर एग्जिट प्लस लेना चाहते हो सीएनजी में तो ये 929, और बाकी टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो 942 की पड़ेगी। तो अच्छे खासे प्राइस के हिसाब से आ जाती है ये। इसकी ईवी भी है, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पर देख सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे लाइट आ जाता है जो कि वाइट लाइट थ्रो करता है, और इंटीरियर काफ़ी अच्छा दे रखा है, और यहाँ पे डीफॉगर भी दे रखा है पीछे, तो काफ़ी बढ़िया है। ये आर्म रेस्ट आ जाता है कप होल्डर के साथ, तो काफ़ी बेस्ट है यार। टाइम बहुत कम है मेरे पास, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको सेफ्टी के मामले में टाटा सबसे आगे है, तो सेफ्टी तो दे ही रही है ये गाड़ी, सेफ तो है ये गाड़ी। ऊपर से आपको माइलेज भी अच्छा दे रही है रोड पे, और आपके पैसे बचा रही है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ऊपर से यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे चार्जिंग, यहाँ पे यूएसबी केबल का भी आ जाता है ऑप्शन। इसमें बेसिक सारे फीचर्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर डोर को अनलॉक लॉक करना है तो इसके लिए ये मिल जाता है, ये लॉक, ये अनलॉक। तो इसमें ये दे रखा है अल्ट्रोज में नहीं वाला सिस्टम, और यहाँ से आप खोल सकते हो। तो ये सेफ्टी के मुकाबले अल्ट्रोज से मुझे ये अच्छा लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है, और ओवरऑल मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। बाकी ये आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कोई फ़ायदा है इसमें, क्योंकि स्पेस उतना नहीं है। ये हाइपर स्टाइल वाले आपको व्हील कवर मिल जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया हैं। 14 इंच के टायर हैं इसके, R14 टायर का प्रोफाइल है इसका, R14। और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता आपको। बाकी आपको आप पीछे से इसका लुक देख सकते हो, जिसके लाइट है, और यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग आ जाती है। तो ये है टर शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आ जाता है, इसे लॉक करते हैं तो ये ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं। तो गाइस ओवरऑल लुक ऐसा आ जाता है टिगोर सीएनजी का। गाइस कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।